तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कैसे आप सुपर फास्ट, यहाँ पे देखो कितना जल्दी सुपर फास्ट इमोट दिखा सकते हो। गाइस, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो कुछ भाई ने कमेंट किया था जो भाई इसके ऊपर फुल वीडियो बनाओ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने फुल वीडियो बना के दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं जो भागते हुए भी आप इमोट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे रनिंग टाइम पे भी आप इमोट कर सकते, दिखा सकते हो किसी का भी, ऐसे करके देख सकते हो गाइस। तो कैसे कर सकते हो मैं आज आपको दिखाने वाला, बहुत ही इजी है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो किसी का भी आप, मतलब कोई सा भी इमोट आप दिखा सकते हो। तो गाइस, इसके लिए आप सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चला जाना, जो लॉबी पे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अपना जो इमोट वाला ऑप्शन सेक्शन है इसको ऑन कर लेना, ऐसे करके इमोट के ऊपर प्रेस करके। तो इसको ऑन करने के बाद आप जो है, आप जिस इमुलेटर पे खेलते हो, मतलब ब्लूस्टैक 4 या फिर 5 कोई सा भी इमुलेटर पे खेलते हो, तो इसका जो है ओपन एडवांस एडिटर जो सेटिंग है इसको ऑन कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से आप कोई सा भी इमोट, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिंपली मानो कि लोल इमोट दिखाना चाहता हूँ सुपर फास्ट, तो इसके लिए मैं लोल इमोट के ऊपर एक की सेट करना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिपीटेड टैप, जो है इसको आपको माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, ऐसे करके प्रेस करके, ऐसे यहाँ पे लाके होल्ड कर देना, मतलब होल्ड करके छोड़ देना है, प्रेस करके ऐसे यहाँ पे लाना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो गाइस, यहाँ पे कोई सा भी एक की सेट करना आपका मर्जी, जो आपका जो इस इमोट, मतलब जिस की से इमोट दिखाना चाहते हो, कोई सा भी एक की सेट कर लेना। तो यहाँ पे मैं मानो कि F1 सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो F1 सेट हो गया। उसके बाद अगर आप ब्लूस्टैक 5 या फिर MSI 5 कोई और मतलब अपडेट वर्सन इमुलेटर पे खेलते हो, तो यहाँ पे देखोगे एक सेटिंग रहता है लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे सेटिंग रहता है, या फिर यहाँ पे एक सेटिंग हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं ब्लूस्टैक 4 पे खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे सेटिंग नहीं रहता, इसका राइट क्लिक करते हूँ, तो यहाँ पे जो है देख सको काउंट, यहाँ पे काउंट कितना है 5, मतलब 5 है। लेकिन गाइस, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 99, मतलब 99 कर देना। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली से सेव कर देना। तो गाइस, ये आपका काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है गेम कंट्रोल पे फिर से जाना है, जो ओपेसिटी आपका की मैपिंग का, उसको ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है ना। जो आपको देखो F1 प्रेस किया था, जिसके सिलेक्ट किया था, लो रिमोट पे मैंने किया है, तो इसके जो है दिखने लगता है। उसके बाद गाइस, ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा देना है, मतलब की मैपिंग का। उसके बाद सेटिंग पे चलाना अपना गेम का, सेटिंग पे आने का कस्टम HUD पे चलाना। उसके बाद यहाँ पे जो अपना इमोट वाला ऑप्शन है, जो इमोट जिस जो इमोट है, इसको इमोट वाला ऑप्शन को आपको इस F1 के ऐसे ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली सेव कर देना। सेव करने के बाद आप इसका ओपेसिटी जो है इसको आप ऐसे कम कर सकते हो, यहाँ पे पूरा कम कर देना। फिर आपका जो है यहाँ पे देखो भाई कमाल, मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं वेट करो। उसके बाद गाइस देखो, मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो F1 एक की ऐसे प्रेस करके मतलब रहता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना फास्ट, मैक्रो पे भी इतना फास्ट शायद नहीं होता, मैक्रो पे मतलब फास्ट होता है, लेकिन आप ऐसे रनिंग भागते हुए इमोट शायद नहीं दिखा सकते मैक्रो पे, ये गाइस कोई मैक्रो नहीं बोल नहीं सकते कोई। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना जल्दी सुपर फास्ट इमोट दिखा सकते हो आप, मतलब कोई सा भी इमोट आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी इमोट गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आप कोई सा भी इमोट सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप सिंपली सी जो यहाँ पे देखो ना, ये इमोट वाला ये ज्यादा मतलब यहाँ पे ब्राइट है, तो इसको आप ऐसे करके, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टम HUD पे जाके यहाँ पे इसको ओपेसिटी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप जीरो कर देना। तो गाइस, आपको क्या करना है, जीरो करोगे तो यहाँ पे देखो ये हाइट हो गया, मतलब नहीं दिखेगा। तो आप बहुत ही ईजी ऐसे ईजी तरीके से कोई सा भी इमोट ऐसे मतलब भागते हुए रनिंग टाइम पे आप इमोट दिखा सकते हो, किसी का भी सुपर फास्ट, किसी को भी इमोट दिखा सकते हो भी। तो गाइस, वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहना सब लोग।